This is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you the vacancies which are came in HGML में जो vacancies हैं इससे related अभी हम discuss करने वाले हैं. इसमें कितने number of vacancies हैं, कौन-कौन eligible है, post का नाम है management trainee. Okay, so I will discuss with you everything in this video. क्या इसके important data आने वाले, कैसे apply करना. So everything I will discuss in this video. So first of all आपको एक important चीज मैं starting में ही बता दूँ important. कि इसमें आपको एक फॉर्म दिया है, उसको फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है. वो आपको फॉर्म आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशन इज कमिंग. और जैसे कि आपका एग्जामिनेशन डेट आ गया है, बीडीएल का एग्जामिनेशन डेट आ गया है, आपका ONGC MRPL का डेट आ चुका है, और सेंट्रल सेल का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, और भी मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कमिंग. और जैसे कि यूपीपीसीएल का हो गया, फिर उसके बाद BHEL, AIC, NMDC, ओके, FCI, सेंट्रल सिल्क, सो सभी का एग्जामिनेशन आने वाले हैं. सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द पीएससी एग्जामिनेशन, सो कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन himanshuclasses.in. ओके, और एक और कुछ ही दिन पहले वैकेंसी आया था एमपी में, MPPGCL में. ओके, सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द पीएससी एग्जामिनेशन, सो कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन himanshuclasses.in. सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर कैन सी वेल लिंक इज देयर बैक लिंक एंड लिंक यू कैन विजिट ऑन वेबसाइट, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशंस. जो वैकेंसी है इससे इसमें HGML में उससे रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैकेंसी आया है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी है पोस्ट का नाम. ओके, यहाँ पे पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस. और यहाँ पे जो आपको कंसोलिडेटेड जो सैलरी मिलने वाला है 45,000 रुपीज मिलने वाला है, जैसे कि आप मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात की जाए तो दो वैकेंसी यहाँ पे, टू वैकेंसीज हियर. ओके, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन मांगा है MCOM / MSc, मैथ, MA, मतलब BCOM, मतलब कुछ भी, मतलब लिख दिया. ठीक है, तो इसमें आप जनरली देखो, अगर इसमें अगर आपको इंटरव्यू लगा या फिर आपका एग्जाम एग्जामिनेशन देगा तो भी ऐसी बात है, जो कॉमर्स वाले लोग रहेंगे वही इसमें अप्लाई भी उन्हीं करना चाहिए, और उन्हीं लोग यहाँ पे सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहता है. देखिए एलिजिबिलिटी में लिख दिया है, पर फाइनेंस का तो भी ऐसी बात है, आप एमकॉम और बीकॉम रहने वाले हैं. ठीक है, बाकी एमएससी वाले कर सकते हैं. ठीक है, करने का तो कोई भी कर सकता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है. ठीक है, पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन एमकॉम बीकॉम. ठीक है, और सैलरी 45,000 रुपीज मिलने वाला जो भी लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे. ओके, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कंसोलिडेटेड सैलरी मिलने वाला है. कंसोलिडेटेड मतलब होता है कि आपको उतना मिलेगा. ठीक है, एज लिमिट का बात की जाए तो एज लिमिट हमें 35 साल रखा है, वो जनरल कैंडिडेट उसके हिसाब से. उसके बाद आप देख लीजिए जो भी आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है. आगे देखते हैं जो एप्लीकेशन आपको सबमिट कैसे करना है. एप्लीकेशन आपको सबमिट कब तक करना है, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आया था कि इसका वैकेंसी का, उससे 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, क्या लिखा है कि एप्लीकेशन शुड सबमिट देयर applicant should submit their application fee slip format within 30 days from the date of application of the advertisement. Okay, advertisement से 30 दिन के अंदर आपको apply करना पड़ेगा. ठीक है, आपको यहाँ पे एक form है, वो form को fill up करना है. ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ. पहले बता दूँ आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है. आपको अप्लाई कैसे करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है. ओके, और 300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है. सारा कुछ आप इसको ये जो पूरा कॉलम है इसको आप केयरफुली एक बार अच्छा से रीड आउट करिएगा. और एक पीडीएफ पास मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से. सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वेल लिंक इज देयर बाय क्लिकिंग दैट लिंक. यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम, फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस इंपॉर्टेंट अपडेट एंड यू विल आल्सो गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम देयर. ओके, सो खुद इसको रीड करिएगा. डिमांड ड्राफ्ट बनाना, डीडी बनाना है. यहाँ पे ये इसी फॉर्म का हम बात कर रहे थे, इसको आपको पूरा इसको केयरफुली आपको रीड करना है और पूरा फिलअप करना है. इसको फिलअप कर करके आपको भेजना पड़ेगा. ठीक है, इसको फिलअप करके भेजना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको मेरा टेलीग्राम से. भेजना कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो इस एड्रेस पे भेजना है. ओके, सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द पीएससी एग्जामिनेशन, सो कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन himanshuclasses.in. ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. पूरे फाइनेंस में सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिलेवेंट कंटेंट सबसे पॉसिबल हम यहां प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो आज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, सो थैंक यू.